हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जब भी हम ओला की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, मोबाइल खोलो, कैब बुक करो, जहां जाना है वहां जाओ। बिकॉज ओला के बारे में अगर हम बात करें तो ओला इज मोर इनटू सर्विस सेगमेंट एंड नॉट इनटू प्रोडक्ट। मतलब आप बात करोगे मार्केट में तो ओला के ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं थे, सर्विस थी जो कैब आप अवेल करते थे, वो एक सर्विस कैटेगरी है। सो ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट जिसने दिन रात जी लगा के मेहनत करी और आज ये हालात हो गए हैं कि हर चीज इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है, बिकॉज पेट्रोल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे ओला स्कूटर के बारे में, देखेंगे क्या है इसके अंदर खास। इंडियन मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है और बिल्कुल अलग टाइप से आया है, अलग कंपनी लेके आई है, तो देखना तो बनता है। तो अगर आप स्कूटर वगैरह परचेज करने वाले हो तो कुछ दिन रुक जाओ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो बुकिंग है ओला स्कूटर की वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप olaelectric.com पे जाके बुक कर सकते हो सिर्फ 499 रुपीज में। यहाँ पे कमाल की बात क्या है, ये जो अमाउंट है ये फुल्ली रिफंडेबल है। मतलब बाद में आपको स्कूटर पसंद नहीं आता, कलर नहीं मिलता, महंगा लगता है, आप अपने पूरे पैसे रिफंड कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे स्कूटर जो है 10 कलर वेरियंट्स में आता है, 10 कलर के चॉइस मिलेंगे। तो जो रूमर्स है यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो ओला स्कूटर है लगभग आपके 1 लाख के आसपास आने वाला है। एक समय था जब यहाँ पे लखटकिया कार हुआ करती थी 1 लाख में कार, अब 1 लाख में सिर्फ एक स्कूटर। वेल, स्कूटर की जो वीडियो मैंने देखी उसके थ्रू वो स्कूटर काफी डायनेमिक लगता है, काफी मतलब रियल चीज ऐसा फील होता है, ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया में बना हुआ स्कूटर है। मतलब फ्रंट में अगर हम बात कर ले, इसमें कुछ चीजें मेरे को बहुत प्यारी लगी, मैं उनमें से 3 चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज, इसकी जो लाइट है फ्रंट वाली, ठीक है, जो हेडलाइट है इसकी वो कमाल की है। मतलब बाकियों में जैसे LED होता है या ट्रेडिशनल वही डिजाइन आ रहा है, यहाँ पे सिंपल 2 आंखों जैसा ऐसे LED प्रोजेक्टर लाइट दे रखी है इन्होंने। एंड दूसरी चीज यहाँ पे बात करूंगा मैं, इसके सस्पेंशन जो है वो कमाल के हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूटर थे वहाँ पे जो स्प्रिंग होती है वो दोनों तरफ से होती है ऐसे, जो कि शॉकर बोलते हैं हम, जो कि आपके जो भी प्रेशर आता है या धचके आते हैं या खड्डे वड्डे आते हैं वहाँ पे आपको एक स्मूथ राइड देता है, यहाँ पे वो दोनों चीजें हटा दी गई हैं। यहाँ पे सिंगल सस्पेंशन सिस्टम है, उसको देखिए यहाँ पे लगता है यार कंट्रोल इसके कमाल के होंगे यहाँ पे, और बहुत ही स्मूथ आप फील करोगे जब आप स्कूटर को एक्चुअल में राइड करोगे। एंड तीसरी कमाल की चीज ये है कि इस स्कूटर को, जिसका आपने टैक्स लेना देना है, इस स्कूटर को हाईटेक तरीकों से बनाया गया है। मतलब इसका जो MID पैनल है वो कमाल का है, वो सिंपल पैनल नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड आएगा, पेट्रोल कितना है ये आएगा। इनफैक्ट वो एक एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट है जो बिल्कुल कन्फिगर कर दिया गया है स्कूटर के हेड पे, और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, जस्ट लाइक आप कार में फील करते हो, मतलब किसका कॉल आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या ईमेल आ रहा है। इनफैक्ट आप अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट करके आप नेविगेशन देख सकते हो, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ रहेगी आने वाले टाइम में। इसके साथ उसमें बाकी सारी जो डिटेल्स होती है, स्पीड कितना है, फ्यूल कितना है, बैटरी कितनी है, सारी चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट होंगी। और उसके अलावा ये जो स्कूटर है ये आपके फोन से भी अटैच हो जाएगा, मतलब अपने फोन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो आपके स्कूटर में बैटरी कितनी बची है, कितनी चली है, क्या ट्रिप है, कहाँ जाना है, सब कुछ आप यहाँ पे फोन पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक पहला स्कूटर होगा जिसको एक स्मार्टफोन के साथ कन्फिगर कर दिया गया है और इस टाइप की कैपेबिलिटीज इंडिया में देखने को मिल रही है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे काफी कमाल की आने वाली है। वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉन्सेप्ट सुनने में काफी कमाल का लगता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है कि ये चार्ज कैसे होगा, चार्जिंग स्टेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है, और फिर स्टेशन नहीं मिलते और आप कहीं दूर निकल जाते हो, उस केस में आपका स्कूटर बंद हो जाता है, तो यहाँ पे एक अलग टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोगों को ये डर लगा रहता है कि यार इस केस में क्या करें। बिल्कुल, तो ओला ने यहाँ पे रिवील किया है 400 सिटीज में 1 लाख+ चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मतलब 1 लाख+ पॉइंट आपको मिलेंगे इंडिया में, चाहे वो मॉल के सामने हो, कॉलेज के सामने हो, स्कूल के सामने हो, आप जहां जा रहे हो, आपके ऑफिस में हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स है वहां पे हो, मतलब हर जगह आपको ये चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग वाली वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज 1 लाख+ चार्जिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप इसको कहीं भी चार्ज कर सकते हो, आप अपने घर में चार्ज कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, किसी भी एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स में भी चार्ज कर सकते हो। और फिर अगली चीज आती है कि भाई देती कितनी है, तो देती कितनी है यहाँ पे जो ओला क्लेम करता है 75 किलोमीटर जाएगी एक बार चार्ज करने में, जो कि 18 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं, बिल्कुल झोंक दिए गए हैं एक स्कूटर के अंदर, मतलब कितनी इनोवेशन। तो यहाँ पे कुछ कमाल के फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला मोबाइल नेविगेशन है यहाँ पे, बैटरी इंडिकेशन है आपके फोन के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे जो बूट
बूथ मतलब बूथ गाड़ियों में होता है, यहाँ पे जो क्या बोलेंगे सीट के नीचे जो स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे सिंपल है जहाँ पे आप एक हेलमेट रख पाते थे वहां पे अब आप दो हेलमेट रख पाओगे। मतलब फाइनल बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली अगर आप 1 लाख रुपए के आसपास से यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वो एक्चुअल में फ्रूटफुल होगा या नहीं, फायदा मिलेगा या नहीं। यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेटर दे रखा है ओला ने अपनी वेबसाइट पे, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईयरली फ्यूल कॉस्ट, मतलब लेट्स से यहाँ पे किलोमीटर है तो मैं किलोमीटर डिसाइड कर लेता हूँ, मैं दिन के अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर राइड करता हूँ, ठीक है 50 किलोमीटर अगर मैं राइड करता हूँ तो ईयरली जो मेरा फ्यूल कॉस्ट है, जो मेरा पेट्रोल का कॉस्ट आता है वो लगभग 32,000 रुपए आता है, 32,000। और यहाँ पे अगर मैं ओला से राइड कर रहा हूँ भाई तो ये यहाँ पे बिल्कुल कमाल का फिगर निकल के आता है, 6,840 रुपए मात्र। और अगर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है कि पावर स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे उन्होंने मैपिंग भी करके बता रखी है आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ अभी फिलहाल, मेरे ख्याल से यहाँ पे 50 के आसपास चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं सामने। तो यार ये था यहाँ पे ओला स्कूटर, कैसा लगा आप जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोच रहे हो। और मेरे हिसाब से कमाल का प्रोडक्ट है, बिकॉज मैंने आज ही देखा, आई थॉट कि यार आप तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो शेयर कर लेना आपके नॉन जो भी स्कूटर परचेज करने की प्लानिंग में है, बिकॉज बाकी स्कूटर भी आपको 1 लाख मतलब 80-85 हज़ार के आसपास आते हैं, कुछ पैसे लगा के अगर आपको ये मिल रहा है तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।